आज मंत्रिपरिषद में 7 विषयों पर चर्चा हुई और उस पर स्वीकृति दी गई। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हुई, 7 एजेंडों पर मुहर लगी है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। साल का ये अंतिम कैबिनेट था और उसमें यह महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया है कि सरकार एक जेट विमान खरीदेगी और साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर। सरकार के पास पहले से जो हेलीकॉप्टर है वो रेंट पे है और एक हेलीकॉप्टर जो है वो खराब पड़े हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि एक जेट विमान और जो है और साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर भी जो है खरीदेगी सरकार। ये बड़ा फैसला हुआ है आज के कैबिनेट में। साथ ही साथ शिक्षा विभाग में जो है वो बहाली पर स्वीकृति दी गई है। 1340 पद जो है वो सृजित किए गए हैं शिक्षा विभाग में और उस पर जो है वैकेंसी निकाली जाएगी। बता दें आपको कि साल का ये अंतिम कैबिनेट है और इस कैबिनेट में ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। साथ ही साथ जो कहा जाए कि अगली कैबिनेट की बात है तो 3 जनवरी को अगला कैबिनेट जो है होगा, लेकिन अंतिम कैबिनेट में जो ये फैसला है बिहार सरकार का, ये बड़ा फैसला है कि एक हेलीकॉप्टर और एक जेट प्लेन जो है वो सरकार खरीदने जा रही है। क्या कुछ कह रहे कैबिनेट सचिव, सुन बातें हैं बयान को। आज मंत्रिपरिषद में 7 विषयों पर चर्चा हुई और उस पर स्वीकृति दी गई। पहला विषय था कि राज्य सरकार ने अपना हेलीकॉप्टर और अपना एयरक्राफ्ट जेट इंजन का एयरक्राफ्ट क्रय करने का निर्णय लिया और इसके लिए एक विशेष क्रय समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है। राज्य सरकार के पास जो पूर्व में उपलब्ध हेलीकॉप्टर था वो अभी बहुत साल पुराना हो गया और ख़राब पड़ा है और आज की आवश्यकता के अनुसार एक नया हेलीकॉप्टर और एक जेट इंजन एयरक्राफ्ट जो है उसके क्रय की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है और क्रय समिति इस पर अपना आगे की कार्रवाई करेगी और तत्पश्चात ये क्रय की प्रक्रिया पूरी होगी। तो ये एक निर्णय था जो राज्य सरकार ने लिया। दूसरा है बजट है, अभी जो वर्तमान है 8 है तो 10 से 12 के आसपास, 10 सीटर के आसपास होगा, विमान भी उसी के अनुपात में। उद्योग के 3 मामले थे जिस पर मंत्रिपरिषद ने अपनी क्लियरेंस दी है। पहला है मेसर्स जय दयाल हाई टेक्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये चिपली दुर्गावती कैमूर में है, भगुआ में। ये पैकेजिंग हेतु टेक्निकल टेक्सटाइल होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग करेगी और ये 44.28 करोड़ का इसमें निवेश होगा। तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल का एक मॉडर्न यूनिट है जो दुर्गावती कैमूर भगुआ में यह स्थापित होगा, इसकी क्लियरेंस मंत्रिपरिषद ने दी है। 2 मामले एथेनॉल यूनिट के दिए हैं जिसमें मेसर्स पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 1 है, इसमें 96 करोड़ 92 लाख ये ग्रेन बेस्ड एथेनॉल होगा 125 KLPD का। और मेसर्स पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ये जगह है अरवान परवलपुर नालंदा में रहेगा, तो ये नालंदा में एक यूनिट स्थापित होगा। और दूसरा जो यूनिट है वो मुजफ्फरपुर मोतीपुर में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें स्थापित होगा, वो मेसर्स भारत ऊर्जा डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड का होगा, इसमें 135 करोड़ 62 लाख का निवेश होगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण एथेनॉल यूनिट हैं ग्रीन बेस जो हैं, एक नालंदा में स्थापित होंगे और दूसरा आपका चीफ आर्किटेक्ट हैं, रिटायर हो रहे थे, उनको 1 साल के लिए पुनर्नियोजन किया गया है, इस पर निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। भवन निर्माण की विभिन्न योजनाओं का अनुश्रवण मॉनिटरिंग और साथ ही साथ आवास आवंटन प्रणाली, जो हमारे आवास आवंटन होते हैं, मेंटेनेंस है, रिपेयर है, उसके लिए NIC जो है भारत सरकार का उपक्रम है उसके साथ समझौता डॉक्यूमेंट पर स्वीकृति दी गई है। NIC इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाएगी और साथ ही इसका मॉनिटरिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो सरकार को उपलब्ध कराएगी। शिक्षा विभाग में जो क्षेत्रीय कार्यालयों में जो लिपिक या पद है उसको नॉर्मलाइज किया गया है, स्टैंडर्डाइज किया गया है, मतलब कुछ जगह ज़्यादा थे कुछ जगह कम किए थे और उसको नॉर्मलाइज किया, 670
पदों का सप्रवृत्त करके उच्च वर्गीय लिपिक के 462 और एक और प्रधान लिपिक के 161 और कार्यालय अधीक्षक के 47 पदों का सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। टोटल नंबर क्या लिखेंगे? ये जो स्वीकृत 1674 है उसको रीऑर्गेनाइज किया है, तो 670 आपके संप्रवृत्त करके मतलब लिपिक के पद में से 670 पदों को संप्रवृत्त करते हुए शेष उच्च वर्ग के लिपिक के लिए 462, प्रधान लिपिक के लिए 161 एवं कार्यालय अध्यक्ष के लिए 47 पदों का सृजन किया है। टोटल एक बार कर लीजिएगा 670, 462 और 47, ठीक है। उसके अतिरिक्त जितना होगा वो आपका स्टॉक। तो यही 7 एजेंडा है और मैं सभी हमारे पत्रकार बंधुओं को इस वर्ष के लिए सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ और नववर्ष के लिए सबको बधाई।